Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today I will discuss the problems on AGs. AGs, वैसे हर बार एग्जाम के अंदर अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है तो एक क्वेश्चन तो बेटा आ ही जाता है एग्जाम के अंदर. दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो और ईजी टॉपिक है. अगर आपका रेशियो, देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपका रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये तीन टॉपिक क्लियर हैं, तो अर्थमेटिक आप ये मान के चलो का आपका 50% तो अर्थमेटिक हो गया. ठीक है, तो एजिस के अंदर भी जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, सिंपल, एक तो सिंपल क्वेश्चन होंगे जिसमें प्लस माइनस कह रहा है कि हाँ जी इतने ईयर्स एगो, इतने ईयर्स आफ्टर, हैंस, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे होते हैं. और साथ में ही आपके पास में रेशियो का कंसेप्ट आ जाता है, रेशियो और एवरेज का कंसेप्ट आ जाता है. तो अगर आपका रेशियो और एवरेज का कंसेप्ट क्लियर है देन एजिस का क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो. ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपके 2021 के अंदर आए हुए थे एजिस पे बेस्ड, और उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी तरह के हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो जल्दी से सभी ने वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में. सभी लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. करें फिर स्टार्ट. देखिए, दिस क्वेश्चन वॉज इन सीसेट 2021. व्हाट वॉज द क्वेश्चन? एक्स सेड टू वाई, at the time of your birth, I was twice as old as you are at present. जितनी एज तुम्हारी आज है, इतनी तुम्हारे बर्थ के टाइम, जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, मेरी उससे डबल थी. पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझो, एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, अब बर्थ के टाइम पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन को बाद में सोल्व करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन कंसेप्ट को समझ. कह रहा है कि बर्थ के टाइम पे मान लो एक पर्सन है, एक्स ने जैसे वाई से कहा कि भाई वाई के बर्थ के टाइम पे क्या कह रहा है कि जितनी आज तुम्हारी एज है उतनी मेरी बर्थ के टाइम पे थी. तो अगर मैं कहूं कि भाई जो वाई है, वाई की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है. ठीक है, तो वाई के प्रेजेंट एज एक्स है, तो इसकी बर्थ के टाइम पे, दैट मीन्स कि कितने साल पहले की बात कर रहा है, वो एक्स ईयर्स की बात कर रहा है, उस टाइम पे एक्स की एज क्या होगी, एक्स की एज क्या होगी, हाँ जी, बर्थ के टाइम पे अगर मैं एक्स की एज देखूं तो कितनी थी, 2x. ठीक है, वो एक्स ईयर्स पहले की बात कर रहा है, एक्स अभी का भी तो ऐड हो गया, दैट मीन्स कि कितनी होगी उसकी एज, 3x होगी. ये पहले छोटा सा कंसेप्ट है. तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो डबल है तो बेटा उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्स साथ में ऐड कर देना. मींस कि एक तरह से अगर डबल कह रहा है तो उसको 3 गुना कर दो. ठीक है, ट्रिपल कह रहा है तो उसको 4 गुना कर दो. ओके, समझ आ गया पॉइंट? तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट. तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या पता चला मुझे इस स्टेटमेंट से कि x और y, तो y है, y की एज अगर x है तो यहाँ पे x की जगह कुछ और ले लो बेटा, क्योंकि नाम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ. y की अगर एज k ईयर्स है तो x की एज कितनी हो गई, 3k ईयर्स होगी. क्लियर? नाउ इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42 ईयर्स, x की प्रेजेंट एज कितनी है कह रहा, 42 ईयर्स, दैट मींस कि 3k की वैल्यू क्या है, 42. तो 1k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 40. क्लियर, कितनी आ गई, 14. अब ये मुझे पता चल गया. अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 और 2, एंड क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो अब इसी से मुझे कंक्लूजन निकालना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 8 ईयर्स एगो एज ऑफ एक्स वॉज 5 टाइम्स ऑफ वाई. अब पहला पॉइंट है 8 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पहले, 8 साल पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें से 8 माइनस कर देते हैं, 12 से 8 गया बेटे 4, दैट मीन्स कि ये हो गया 34 ईयर्स का, और इसमें से ये कितना का हो गया आपके पास में, इसमें से 8 गया तो ये हो गया हमारे पास में 6 ईयर का. ओके, अब ये क्या कह रहा है कि x 5 टाइम्स है, तो ये देखो ये इसका 5 टाइम्स है, इसका 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 30 होगा, दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया आपके पास में, ये क्या हो गया हमारे पास में, रॉन्ग हो गया. क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं दूसरी, क्या कह रहे, आफ्टर 14 ईयर्स एज ऑफ एक्स वुड बी ट्वाइस, 14 ईयर्स आफ्टर 14 ईयर्स, दैट मींस कि ये जो एज है इसके अंदर हम क्या करेंगे, 14 ऐड कर देंगे. 14 अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास में, 4 और 2 6 56, और ये कितना हो गया 28.
अब ये हमें दिखाई दे रहा है 28 से 56 क्या है, डबल है, डबल है, और उसने भी क्या कहा है, टू टाइम्स है, टू टाइम्स है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास में, करेक्ट हो गया, डन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर, मुश्किल था कुछ, बार बार रिपीट कर रहे हो, सी सेट में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, सी सेट के अंदर कोई जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो आपका इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है, बट लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यही एक छोटा सा पॉइंट था, ये पॉइंट अगर हमें समझ आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड थ्री स्टूडेंट्स इज 20 इयर्स, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सी सेट 2020 का क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ टीचर एंड थ्री स्टूडेंट्स इज 20 इयर्स, एवरेज है ये, टोटल नहीं है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर एवरेज है तो टोटल के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ पर्सन है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। इफ ऑल द थ्री स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 इयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, टीचर की एज आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान क्या देना है, जस्ट एवरेज का यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, क्या कह रहे हैं, एवरेज। अब यहाँ पे एक तो हो गया टीचर और तीन स्टूडेंट, और तीनों की एज क्या है, इक्वल है, कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 4, दैट मींस कि टोटल, दैट मींस कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 80। टोटल 20 नहीं है, एवरेज 20 है, जब एवरेज 20 है दैट मींस क्या करोगे आप, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब उसने साथ में क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट इज 20, टीचर एंड स्टूडेंट का डिफरेंस कितना है 20, सॉल्व कर लो, क्या माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 4s इज इक्वल टू 60, s इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स द एज ऑफ वन स्टूडेंट इज इक्वल टू 15, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, टीचर की एज पूछी, टीचर कितना है, दोनों के अंदर 20 का डिफरेंस है, दैट मीन्स कितना हो गया 35, ओके, सो योर आंसर विल बी 35। देन नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट देखेंगे क्या है, कह रहा है इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, अगेन 2019 का क्वेश्चन है बेटा, क्या है, इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा, वेयर आर एज इन 2010 मीनूज एज वाज 1/2 ऑफ द एज ऑफ मीरा, व्हाट इज मीनूज ईयर ऑफ बर्थ, कौन से ईयर के अंदर उसका बर्थ हुआ था। अब देखो अगर हम बात करते 2002 की, ठीक है, देर आर टू पर्सन, वन इज मीनू एंड द सेकेंड वन इज मीरा, मीनू की एज क्या है 1/3 है, किससे, मीरा से, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि यहां पे मीरा की एज है 3x तो इसकी कितनी होगी, x होगी, x लेके 1/3 करते बेटा थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती, थोड़ा इस तरह से करते कि हाँ जी 1/3 हो गया, क्लियर। अब उसने क्या कहा है कि 2010 में, क्या कह रहा है, 2010 के अंदर 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, वेयर एज इन 2010 मीनूज एज वाज 1/2 ऑफ द एज ऑफ मीरा। अब जब 2010 की मैं बात कर रही हूं तो ये देखो कितनी साल बाद की बात हो रही है, दैट मींस व्हाट, आफ्टर 8 इयर्स, आफ्टर 8 इयर्स, ओके, आफ्टर 8 इयर्स मीनू की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8, और मीरा की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 8, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मीनूज एज इज 1/2 ऑफ द एज ऑफ मीरा, 1/2 ऑफ द एज ऑफ मीरा, कोई डाउट, क्लियर, सॉल्व करिए, क्या हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा बेटा क्रॉस होके, 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 8, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 8, दैट मीन्स मीनू 2002 के अंदर कितनी है 8 ईयर्स की है, ठीक है, और मीरा आपके पास में 24 ईयर्स की है। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि बताओ मीरा की एज कितनी थी 2008 के अंदर, या मीरा के बर्थ के टाइम पे मीरा का बर्थ कौन से ईयर में हुआ है, मीनू का बर्थ कौन से ईयर में हुआ है, तो जिस भी ईयर के अंदर बर्थ हुआ है तो जितनी उसकी एज 2000
2002 में है, उसके अंदर से हम उतना ही माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे उसने बेटा मीनू के डेट ऑफ बर्थ पूछे, मीनू की एज कितनी है, 2002 के अंदर 8 ईयर्स है, दैट मीन्स कि अगर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2002 के अंदर से 8 को माइनस कर दोगे कितना आ गया 1994, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1994 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, अगर आप लॉजिकली स्ट्रोंग हो तो आपके लिए सी सेट काफी इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रख लेंगे, 4-5 टॉपिक्स है बेटा, उनको ध्यान से समझ लेंगे, बस आपका सी सेट क्वालिफाई है। बट अगर आप लॉजिकली स्ट्रोंग नहीं है तो जितने मर्जी फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो, फॉर्मूलाज लर्न करके नहीं पेपर क्वालिफाई कर सकते। तो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन केस ऑफ सी सेट, बिकॉज यूपीएससी के अंदर बेटा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, इना वाज बोर्न 4 इयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, 2019 का ही क्वेश्चन है। इना वाज बोर्न 4 इयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, हर मदर इज 3 इयर्स यंगर देन हर फादर एंड 24 ईयर ओल्डर देन इना, हु इज 13 इयर्स ओल्ड, एट व्हाट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड, इना के फादर की मैरिज कब हुई थी। अब यहाँ पे भी देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे उसने कहा है कि हर मदर इज 3 इयर्स यंगर देन हर फादर, ये वाली स्टेटमेंट है। साथ में उसने क्या कहा, एंड, एंड मींस मीनिंग क्या हो रहा है, मदर की बात हो रही है, 24 इयर्स ओल्डर देन इना, इना से उसकी मदर 24 इयर्स ओल्डर है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल कि भी जो इना इना है वो तो अभी 13 इयर्स की है, 13 इयर्स की है, उसकी जो मदर है वो उससे 24 इयर्स ओल्डर है, दैट मींस कि 37 इयर्स की है उसकी मदर, 37 इयर्स की है उसकी मदर, कब, अभी, अभी उसकी मदर 37 इयर्स की है। बट उसने ये भी तो कहा है कि इना वाज बोर्न 4 इयर्स आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, इना का बर्थ कब हुआ, 4 साल बाद हुआ है मैरिज के। तो अगर हम मैरिज की बात करें कि भी मैरिज के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे मदर की एज कितनी होगी, मदर की एज कितनी होगी 37 की, तो वो अब है, दैट मींस कि इना की एज मैं इसके अंदर से माइनस कर दूं, ठीक है, और साथ में ही जो 4 साल बाद उसका बर्थ हुआ है उसको भी हम माइनस कर दें, दैट मींस कि उसकी मदर कितने साल की थी, 20 इयर्स की थी, सिंपल सी बात है। लिखने की जरूरत थी क्या ये, हाँ जी लिखने की जरूरत थी, डायरेक्टली भी तो समझ सकते हैं भाई, देखो 24 इयर्स की है, ठीक है, 4 साल बाद, तो दैट मींस की शादी के टाइम पे कितनी थी, 20 साल की थी, ओके। अब उसके बाद में देखो, हाँ जी उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि उसके फादर की एज बताओ, मैरिज के टाइम पे अगर हम उसके फादर की एज की बात करें तो फादर 3 इयर्स ओल्डर है मदर से, 20+3 दैट मींस कि 23 इयर्स का फादर हो गया, कब, एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्लियर। दैट मींस कि अगर हम सिंपल सोचें तो ये भी कह सकते हैं कि भी जो मैरिज है ना, मैरिज अभी इना 13 इयर्स की है, 4 साल के बाद वो पैदा हुई, दैट मींस कि 17 इयर्स बिफोर की बात हो रही है, 17 इयर्स बिफोर की बात हो रही है। अभी अगर यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास में आ जाता कि व्हाट इज फादर्स प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाती, 23+17, ठीक है, हाँ जी क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ श्याम एंड अल्बर्ट आफ्टर 5 इयर्स, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि श्याम और अल्बर्ट की एज कितनी होगी आफ्टर 5 इयर्स, रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। अब रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, जब अगर हमारे पास में या तो दोनों की एज हो या कुछ मल्टीपल गिवन हो तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में उसने क्या कहा है, आफ्टर 5 इयर्स, डन। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं, श्याम्स प्रेजेंट एज इज मोर देन अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज बाय 4 इयर्स, भाई 4 साल का दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो क्या हम डिफरेंस के बेस पे रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, दैट मीन्स वट कि इसके बेस पे अपना आंसर नहीं आ सकता। देन दूसरे में क्या कह रहे हैं, अल्बर्ट्स
प्रेजेंट एज इज 24 ईयर्स। हाँ यहाँ पे देखो अल्बर्ट की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 ईयर्स है और श्याम की एज कितनी है 4 साल ज्यादा है, तो श्याम की एज कितनी होगी 24 ईयर्स होगी। अब अगर हम दोनों का देखें तो उसने क्या कहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स रेशियो फाइंड आउट करनी है। आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होगी, ये हो गया बेटा 29 और ये कितना हो गया आपके पास में 25। दैट मींस कि रेशियो हम निकाल सकते हैं। ओके फर्स्ट आ गया, दूसरा अगर हम दैट मींस कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के हेल्प से आंसर आ गया, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आंसर, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइंड में देखो क्या हम कर सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से तो आ गया। अब अगर हम देखें यहीं पे थर्ड स्टेटमेंट, ऐसा नहीं करना बेटा, अगर फर्स्ट और सेकंड से आ गया दैट मींस कि उसको छोड़ दो, आगे भी देखना है। आगे आपके पास में द रेशियो ऑफ अल्बर्ट्स प्रेजेंट एज एंड श्याम्स प्रेजेंट एज इज 5:6, कह रहा है कि प्रेजेंट एज की रेशियो है। अगर हम प्रेजेंट एज की रेशियो देखें श्याम एंड अल्बर्ट की तो 5:6 कह रहा है, ठीक है। और उसने क्या कहा है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना है अल्बर्ट और श्याम के बीच में 4 ईयर्स का। दैट मींस कि 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4, दिस इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज इक्वल टू 24। तो जो मुझे सेकंड स्टेटमेंट से मिला था वही मुझे थर्ड स्टेटमेंट से मिल रहा है फाइनली। दैट मींस कि फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से भी आंसर आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से भी आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एनी टू ऑफ 1 एंड 2 1 कॉमा, ऐसे नहीं है बेटा, 1, 2 and 3 आर सफिशियंट। मीन्स पहली और उसके साथ में या तो सेकंड को लगा दो या फिर थर्ड को, किसी भी दो को अगर हम कंबाइन करते तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनी टू कह रहा है बेटा, अगर मान लो मेरे पास में ये दोनों स्टेटमेंट्स भी हैं, अगर मैं कहूं इन दोनों के स्टेटमेंट की हेल्प से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगेन आपके पास में रेशियो है, थर्ड में रेशियो है, अल्बर्ट की प्रेजेंट एज आपके पास 20 गिवन थी, तो आप यहाँ पे जो दूसरा था उसके आप फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। ये अल्बर्ट और श्याम है बेटा, थोड़ा सा ना मेरे लिखने में ही मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा देख लेना, ये अल्बर्ट है पहले है ना और फिर श्याम है। अल्बर्ट की एज कम है, श्याम की एज ज़्यादा है 4 साल। दैट मीन्स कि कोई भी 3 के अंदर से 2 को आप यूज़ करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट प्रेजेंट द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 पीपल इज 76। आफ्टर 7 इयर्स द रेशियो विल बी 7:6:5:8। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो आपके पास में 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी। रेशियो क्या आपके पास 7:6:5:8। देन अब ये जो है ये कब है रेशियो, क्या कह रहे हैं, आफ्टर 7 ईयर्स है, आफ्टर 7 ईयर्स है। दैट मींस कि अगर मैं टोटल देखूं, टोटल एज आफ्टर 7 ईयर्स देखें हम तो कितनी आएगी, उसने क्या कहा प्रेजेंट कितनी है बेटा 76। तो 7 इयर्स के बाद कितनी आ जाएगी, 7 इयर्स ए की एज बढ़ेगी, 7 बी की, 7 सी की, 7 डी की, सभी की 4-7 साल बढ़ जाएगी। दैट मींस कि 28 इयर्स ये बढ़ गया आपके पास में, कितना हो गया ये 104। क्लियर। अब आपको फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो अगर हम सी का देखें, ये जो रेशियो ध्यान रखो कब की है, आफ्टर 7 इयर्स है, ठीक है, आफ्टर 7 इयर्स है। तो सी की अगर मैं फाइंड आउट करूं इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ ऑल, सम टोटल कितना हो गया 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 8 बेटा हो गया आपके पास में 26। दैट मींस कि सी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 20 इयर्स है। कब, आफ्टर 7 इयर्स। दैट मींस कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 20 में से 7 माइनस कर देंगे, दैट मींस 30। ओके तो आंसर क्या आ गया, 13 इयर्स विल बी द करेक्ट आंसर, 13 इयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। ओके कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जो न्यू यूजर है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट कि कोई भी सी सेट की वीडियो आती है तो वो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए। डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। फोर ईयर्स हैंस द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:6 एंड 6 ईयर्स हैंस द रेशियो विल बी 11:15 देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखो बेटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन को? जिसमें डबल रेशियोज गिवन है, कुछ टाइम पहले की कुछ टाइम बाद की, ठीक है ना। पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस के अंदर दो लोगों की रेशियो गिवन है तो उसमें एक तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, एक आपके पास में जो एक्चुअल मेथड है। दोनों एक बार मैं बता देती हूँ आपको, दोनों बता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या कहते हैं, फोर ईयर्स हैंस ए और बी की रेशियो कितनी है? 5:7। 6 ईयर्स हैंस रेशियो कितनी है आपके पास में? 11:15। दैट मीन्स कि अगर हम टाइम का डिफरेंस देखें तो ये कह रहा है 4 साल बाद, ये कह रहा है 6 साल बाद, तो दोनों रेशियो के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 2 साल का है। दैट मीन्स दिस डिफरेंस इज ऑफ 2 ईयर्स। पहले तो ये कंसेप्ट समझो, समझ आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी? प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है आपको। तो अगर हम ए की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पे दोनों में से ही आएगी, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? 5, पहले ये लेंगे हम, इंटू जितने भी ईयर्स का गैप है, डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस। कितना आएगा आपके पास में? यस, पहले का है आपके पास में 5:7, है ना। तो ये हो गया आपके पास में 2, ये कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स कि 20 कब है? 20 आपके पास 4 ईयर्स हैंस 4 साल बाद, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी आपके पास में? प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4, दैट मीन्स 16 ईयर्स। ओके, इसी तरह से अगर हम बी का देखें तो बी का देखो क्या है? 7। सेम मेथड यूज करना, इंटू जितना भी ईयर्स का डिफरेंस है इंटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस। कितना आ गया बेटा? 28। और क्या कह रहा है ये? कब है? 4 ईयर हैंस 4 साल बाद। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो कितना आएगा? -4, दैट मीन्स 24। आंसर क्या आ गया? 16 and 24 ईयर्स। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा मेथड बताती हूँ। दूसरे मेथड में क्या कह रहा है? देखो, ए और बी की अगर हम 4 ईयर हैंस एज चेक करें तो कितनी है? 5:7। और यू कैन से 5x/7x। कलर भी चेंज कर देते हो तो मेथड डिफरेंट है तो आपको कन्फ्यूजन आ रहा है। क्या रहेगा बेटा? 5x/7x। अब क्या कह रहा है? 6 ईयर्स हैंस, 4 और 6, दैट मीन्स हैंस हैंस है दोनों, 2 साल का फर्क है, +2 ईयर्स +2। द न्यू रेशियो इज 11:15। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से क्या आ गया हमारे पास में? x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x = 8 एंड x = 4। ओके, और हमने यहाँ पे था 5:7 है, दैट मीन्स कि एज कितनी हो गई? 20 एंड 4 के हिसाब से 28। कब? 4 ईयर्स हैंस। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो 4 साल और बैक चले जाएंगे, कितना रह गया? 16 and 24। जो आपको इजी लगता है वो मेथड आप चूज कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे। 4 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 26 ईयर्स, सी इज 11 ईयर्स यंगर देन बी, एंड देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी? प्रेजेंट एज ऑफ बी फाइंड आउट करनी है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो रेशियो है, रेशियो कब है? रेशियो आपके पास में गिवन है 4 ईयर्स एगो की, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 4 ईयर्स एगो तो कितना आएगा बेटा आपके पास में? ए और बी की एज कितनी होगी? 3:4। That means you can say this is 3x and this is 4x. Okay? अगर हम बात करते हैं present की अगर हम बात करते हैं तो present के अंदर कितना हो जाएगा?
प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में दिस इज 3x प्लस 4, एगो है ना, तो प्रेजेंट में 4 साल और बढ़ गई, इसकी एज कितनी हो गई 4x प्लस 4, और साथ में उसने क्या कहा, सी सी इज 11 ईयर्स यंगर, सी 11 ईयर उससे छोटा है, किससे, बी से, यही कहा है उसने। तो अगर हम सी की बात करें तो इसमें से बेटा अगर मैं 11 माइनस करती हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसमें से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस 7, अब सबका अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल उसने एवरेज दी है, अगर एवरेज आपके पास में गिवन है इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द टोटल। टोटल कैसे करेंगे, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ओके तो सभी का टोटल कर लेते हैं, तो टोटल किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपके पास में 78 के इक्वल, डन सॉल्व करो कितना आ गया ये आपके पास में 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11x, ये हो गया आपके पास फर्स्ट 448 प्लस 1 इज इक्वल टू 78, इधर आ गया ये आपके पास में क्या बन गया बेटा 77 रह जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज कितनी है 4x प्लस 7, दैट मीन 7 इंटू 4 प्लस 4 कितना आ गया 28 प्लस 4 दैट मीन्स 32 ईयर्स, ओके सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 32 ईयर्स, ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है बेटा, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन डिपार्टमेंट इज 30 ईयर्स, एवरेज कितना है आपके पास में 30 ईयर्स गिवन है, इन द नेक्स्ट ईयर 10 वर्कर्स विल रिटायर, 10 वर्कर रिटायर हो गए, देन व्हाट विल बी द एवरेज एज इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के अंदर एवरेज एज कितनी रहेगी, तो एवरेज एज नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, अभी कितने हैं, अभी हमारे पास में टोटल वर्कर्स कितने हैं 10 चले जाएंगे, रिमेनिंग कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए, रिमेनिंग वर्कर्स एंड प्रेजेंट वर्कर्स, ओके तो अब यहाँ पे अगर हम देखें क्या है, साथ में उसने एज की भी बात करी है कि भी कितनी एज के अंदर रिटायर हो रहे हैं, तो जो चले गए उनकी भी एज पता होनी चाहिए, तो फर्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या कह रहे हैं, रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स, रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स, अब सिर्फ मुझे यहाँ से एज का तो पता चल गया बट ये नहीं पता चल रहा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, अब अगर हम दूसरा देखें तो दूसरे में क्या है, दे रहा है टोटल 50 एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट, टोटल 50 एम्प्लॉयज है, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 50 एम्प्लॉयज है, एवरेज है आपके पास में 30 ईयर्स, दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया 1500 हो गया, 10 एम्प्लॉयज रिटायर हो गए कितनी एज में 60 की एज में, दैट मीन्स कि 40 बच गए आपके पास में, 40 जो 40 है उनकी एज कितनी है 60 ईयर्स है, जो 40 है सॉरी 10 रिटायर हो गए आपके पास में, आई एम सॉरी 10 रिटायर हो गए तो 10 की एज कितनी रहेगी बेटा 60 ईयर्स के रिटायर हो तो 10 इंटू 60 दैट मीन्स कि 600, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग 40 है उनकी एज कितनी है, इसमें से माइनस कर दो 900, यही आएगा क्लियर, तो अब यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज क्या हो जाएगी जितने भी एम्प्लॉयज है डिवाइडेड बाई 40, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन इज व्हाट कि आपका डाटा सफिशियंट है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे सफिशियंट है क्या, दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम क्या कहेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर नेसेसरी टू गिव द आंसर, एक से आंसर नहीं आएगा, ओके नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी हाफ ऑफ द एज इज 4 ईयर्स हैंस एंड डबल ऑफ एज इज 5 ईयर्स एगो, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, देखो बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कह रखा है, कह रहा है कि एज प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी हाफ ऑफ एज इज 4 ईयर्स हैंस, 4 साल पहले की उसकी एज, ठीक है, एंड डबल्स ऑफ एज इज 5 ईयर्स एगो, ठीक है अब बताओ व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि जो प्रेजेंट एज है ए की कितनी है x और y की कितनी, b की कितनी है y, ओके अब क्या कहा उसने, प्रेजेंट एज ऑफ बी
प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी लिख दिया हमने, विल बी, जैसे भी लिखा होगा ना, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट को पढ़ो, जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे लिखते चले जाओ। क्या कह रहा है, विल बी हाफ, हाफ लिख दिया मैंने, एज ए फोर ईयर हैंस, चार साल बाद, ए की चार साल के बाद कितनी, एक्स प्लस फोर, ठीक है। एंड डबल, एंड एंड दैट मीन्स कि फिर स्टार्टिंग वाले वेरिएबल की बात हो रही है, दैट मीन्स कि एंड वाई डबल ऑफ, डबल मीन्स डबल, एज एज फाइव ईयर्स एगो, फाइव ईयर्स एगो, दैट मीन्स कि एक्स माइनस फाइव, बस सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल है, हो गया, कर लोगे सॉल्व, बस यही है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो बता देती हूँ, टू वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स प्लस फोर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू क्या हो गया आपके पास में, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरे के केस में y माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इधर अगर हम इसको लेके जाते तो क्या आ गया, y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन हो जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टेन हो गया। तो इसको आप सोल्व करोगे क्या आ गया, माइनस, इसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ गया, कितना आ गया बेटा, दिस इज टू वाई, दिस इज फोर एक्स एंड दिस इज ट्वेंटी, दिस इज फोर एक्स एंड दिस इज ट्वेंटी, क्लियर, सॉल्व करो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, एक्स इज इक्वल टू एट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, एट ईयर्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, प्रेजेंट एज ऑफ बी, दैट मीन्स कि हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास में, बी इज इक्वल टू व्हाट, टू एक्स माइनस टेन, दैट मीन्स कि सिक्सटीन माइनस टेन कितना आ गया, सिक्स, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, सिक्स विल बी द करेक्ट आंसर, डन, क्लियर है, कोई इसमें डाउट, तो अगर ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में भी हो तो भी नहीं उलझना, जैसे जैसे बेटा लिखा होगा ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ, ओके, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, फोर इयर्स एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज फाइव रेशियो थ्री, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज एट ईयर्स, इफ सी इज प्रेजेंट एज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन अभी भी हमने पहले किया है तो आई थिंक सभी कर लेंगे। फोर ईयर्स एगो आपके पास में गिवन है, ए और बी की रेशियो फाइव रेशियो थ्री। काम करिए इस क्वेश्चन को सभी खुद से करेंगे, चलो करवा देती हूँ बेटा, कितना आ गया आपके पास में, फाइव एक्स एंड थ्री एक्स। देन अब यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कितना हो गया, प्रेजेंट में फाइव एक्स प्लस फोर एंड दिस इज थ्री एक्स प्लस फोर। सीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पे अगर हम सी की बात करें तो क्या कह रहा है कि दोनों की प्रेजेंट के इक्वल है, तो दोनों की प्रेजेंट का अगर मैं करूँ तो कितना हो गया, एट एक्स प्लस एट, दिस इज सीज एज, एंड टोटल कितना कह रहा है वो, एवरेज एट्टी है। अगर आपके पास सम है बेटा, सम ऑफ द प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एट्टी, तो इसको हम क्या करेंगे, एट्टी के इक्वल पुट कर देंगे, ओके तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, एट एट सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू एट्टी, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में फोर। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, ए की प्रेजेंट एज बताइए, ए की प्रेजेंट एज कितनी है आपके पास में, ए की प्रेजेंट एज है बेटा फाइव एक्स प्लस फोर, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी आ गई आपके पास में, ट्वेंटी प्लस फोर, दैट मीन्स ट्वेंटी फोर, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 24 विल बी द करेक्ट आंसर, डन, क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ओके। दूसरा, काफी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही थी कि मैडम जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के अंदर आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो एक बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आप फुल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फुल सब्सक्रिप्शन के अंदर बेटा आपको माइक्रो कोर्सेज प्लस मॉड्यूल कोर्सेज, मॉड्यूल कोर्सेज मीन्स पूरा कंप्लीट क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ओके, वीडियो कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स, जो भी हमारे कंप्लीट कोर्स है, लाइक जो कंप्लीट है और
स्पेशल क्रैश कोर्स है, दोनों पे एसेस रहेगी और टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। ओके अभी जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन बेटा वन मंथ वन डे का ट्रायल भी है, इसके अलावा वन मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सिक्स मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है, एक साल की सब्सक्रिप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी इसी साल पेपर दे रहे हैं तो वो वन मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दैट इज़ ओनली इन 1500। ओके तो उससे क्या है कि आप एक बार जो सारा डाटा है आपके पास में, इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करोगे और उसके बाद में उसके लिए प्रिपेयर कर लोगे। ओके डिस्क्रिप्शन में इन सभी का भी लिंक अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको ये लगता है कि मुझे तो सिर्फ क्वांट के अंदर ही दिक्कत आ रही है तो मैं फुल सब्सक्रिप्शन क्यों लूँ, तो उसके लिए बेटा माइक्रो कोर्सेज पे आप जाओगे तो वहां से मिल जाएगा आपको। ओके सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।